हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में कि किस तरह अभी हमें बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है और साथ ही साथ क्या अभी हमें बिटकॉइन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम अभी बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, सो बिटकॉइन का प्राइस मोर देन $15,000 चल रहा है एंड रिसेंटली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर नियर 10% तक का स्पाइक अप देखने को मिला था। एंड राइट नाउ ज्यादातर क्रिप्टो मार्केट अभी ग्रीन के अंदर मूव कर रही है। एंड अगर हम बिटकॉइन की ही बात करें, सो यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है। सो एज यू कैन सी कि अभी बिटकॉइन ने इस राइजिंग चैनल से भी ब्रेकआउट ले लिया है एंड राइट नाउ बिटकॉइन इज मूविंग अबव $15,000। सो अगर हम बिटकॉइन की ही बात करें, सो इसके रिगार्डिंग रिसेंटली मैंने ट्वीट किया था कि जब लास्ट टाइम बिटकॉइन ने $15,000 का लेवल क्रॉस किया था, तो उसके जस्ट नेक्स्ट वीक के अंदर बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था एंड इस बार अगेन बिटकॉइन ने अपना $15,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। सो आपको क्या लगता है कि कब बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा? सो प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन। एंड अगर आपने मुझे अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, देन मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन ट्विटर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की ही बात करें, तो ये चीज आपको यहाँ से काफी ज्यादा क्लियरली शो हो रही होगी कि जब दिसंबर 2017 के अंदर बिटकॉइन ने $15,000 का लेवल क्रॉस किया था, तो उसके नेक्स्ट वीक के अंदर ही बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था। एंड राइट नाउ बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश हमें नजर आ रहा है। एंड अगर हम पिछली कुछ वीकली कैंडल्स की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग भी अभी हमें कोई भी करेक्शन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिली। सो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं अभी बिटकॉइन के अंदर करेक्शन भी जरूर देखने को मिलेगी, बिकॉज राइट नाउ बिटकॉइन काफी ज्यादा ग्रीड के अंदर मूव कर रहा है। तो अभी लोगों के अंदर एक्सट्रीम ग्रीड आ गया बिटकॉइन को लेकर, उन्हें लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूव ही करेगा, बट ये चीज नहीं हो सकती। डेफिनेटली हमें करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, बट वी आर नॉट श्योर कि हमें कब वो करेक्शन देखने को मिले। एंड अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की ही बात करें, सो इसके अकॉर्डिंग भी जब भी बिटकॉइन के प्राइस ने काफी ज्यादा अपवर्ड मूव लिया है, तब हमें काफी ज्यादा ग्रीड लोगों के अंदर देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोग बिटकॉइन को टॉप पर बाय कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट अगेन हमें वहां पर करेक्शन देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोएस्ट पर बाय करें बिटकॉइन को, बट इन केस किसी ने भी मार्च 2020 के अंदर बिटकॉइन को बाय किया था, देन वहां से अभी तक बिटकॉइन मोर देन 200% तक का स्पाइक अप ले चुका है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, देन लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश है एंड ये चीज आपको इस चार्ट के अंदर भी काफी क्लियरली शो हो रही होगी कि 2011 के अंदर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था एंड आफ्टर दैट 2012 के अंदर हमें बिटकॉइन की फर्स्ट हालविंग देखने को मिली थी। सो आफ्टर इट्स फर्स्ट हालविंग नवंबर 2013 के अंदर बिटकॉइन ने अगेन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया एंड अगेन हमें 2016 के अंदर बिटकॉइन की हालविंग देखने को मिली थी। एंड आफ्टर दैट दिसंबर 2017 के अंदर अगेन बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, विच इज अराउंड $20,000। सो उसको अभी तक बिटकॉइन क्रॉस नहीं कर पाया है एंड 2020 के अंदर अगेन हमें बिटकॉइन की हालविंग देखने को मिली है। सो देयर आर चांसेस कि 2021 बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा ईयर रह सकता है, बिकॉज 2020 के अंदर हालविंग हुई थी एंड आफ्टर दैट 2013 के अंदर हमें बिटकॉइन का न्यू पैराबोलिक फेज नजर आया था एंड वही 2016 के अंदर बिटकॉइन की हालविंग हुई थी एंड आफ्टर दैट 2017 के अंदर हमें अगेन न्यू ऑल टाइम हाई नजर आया था। सो अभी 2020 के अंदर बिटकॉइन की हालविंग हुई है, तो ये हो सकता है कि अगेन 2021 के अंदर हमें बिटकॉइन मेगा बुलिश नजर आए। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग बिटकॉइन को बाय करते हैं, देन आप किसी भी लेवल पर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। बट राइट नाउ बिटकॉइन ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई पर मूव कर रहा है एंड डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की ही बात करें, सो लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश है एंड जब भी बिटकॉइन ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, उसके बाद वो लेवल हमें कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिला है। सो देयर आर चांसेस कि अगर एक बार बिटकॉइन $20,000 को क्रॉस कर दे, देन माइट बी वो लेवल हमें दोबारा देखने को ना मिले। एंड ऑल्सो नवंबर एंड दिसंबर का मंथ बिटकॉइन के लिए हमेशा काफी ज्यादा स्पेशल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कब हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली थी, जिसके बाद में हमें बिटकॉइन के अंदर नियर 10% तक का स्पाइक अप देखने को मिला था। सो राइट नाउ हमें यहाँ पर कुछ करेक्शन देखने को मिल रही है, सो देयर आर चांसेस कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा डंप हो एंड अगेन हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर न्यू हाई देखने को मिले। एंड
अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस की भी बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी अब इंक्रीज हो रही है। एंड रिसेंटली बिटकॉइन ने अपना इस फॉलिंग वेज से भी ब्रेकआउट लिया था, जिसके बाद में हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। एंड अगर हम डोमिनेंस की ही बात करें तो जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, दिस मीन्स कि लोग अपने ओल्ड कॉइन से निकलकर कहीं ना कहीं बिटकॉइन की ओर स्विच कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इंक्रीज हो रही है। एंड देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं हमें ओल्ड के अंदर थोड़ी गिरावट भी देखने को मिले। सो गाइस, लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश है एंड अभी तक बिटकॉइन इस स्टॉक टू फ्लो रेशियो को भी फॉलो कर रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग भी हमें आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा हाई पर नजर आ सकता है। बट राइट नाउ लोगों के अंदर बिटकॉइन को लेकर ग्रेड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड देयर आर चांसेस कि हमें जल्दी ही एक करेक्शन भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिले। सो गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरह अभी लोगों के अंदर बिटकॉइन को लेकर ग्रेड इंक्रीज हो रही है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें देन लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली बिटकॉइन कुछ न्यू लेवल्स को टच कर सकता है एंड देयर आर चांसेस कि आफ्टर दैट हमें बिटकॉइन कभी $20,000 पर भी देखने को ना मिले। सो अगर हम उस अकॉर्डिंग देखें देन डेफिनेटली अभी भी बिटकॉइन हमें नियर $15,000 तक देखने को मिल रहा है एंड देयर आर चांसेस कि आने वाले टाइम के अंदर आपको ये लेवल भी कभी नहीं देखने को मिले। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक टूडेज एपिसोड देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द रेगुलर क्रिप्टो अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।